इलाके में एक सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। यहाँ रहने वाले अशरफ दर नाम के एक व्यक्ति के मकान का ताला तोड़कर घर में एक बैग में रखे 2,30,000 की रकम ले उड़े। अशरफ दार अपने परिवार के 3 अन्य लोगों के साथ एक किराए के मकान में रहता था। तीनों लोग फेरी का काम करते थे और ये मूलतः अनंतनाग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अशरफ के साथ रहने वाला एक व्यक्ति फेरी के काम के बाद जब घर आया तो मकान का ताला टूटा हुआ था। रायपुर की मौदपारा पुलिस ने एक बार फिर से नशीली कफ सिरप का जखीरा पकड़ लिया है। पुलिस ने नशीली कफ सिरप के साथ ही 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। मौदपारा थाने में सभी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस के मुताबिक देर रात उन्हें सूचना मिली थी कि राम सागर पारा इलाके में 4 युवक काफी दिनों से नशीली दवाइयों के धंधे में लिप्त हैं और आज भी वो किसी को नशीली दवाइयों की डिलीवरी करने वाले हैं। और उस सूचना के बाद पुलिस ने अपने पॉइंटर वहां पर लगा दिए थे। देर रात छापामार कार्रवाई की गई और जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहां पर कोडिंग सिरप जो कि नशे का सिरप है उसको रखे हुए हैं और उसको अवैध तरीके से बेच रहे हैं। इस सूचना पर थाना मोदापारा की टीम, साइबर की टीम वहां पर पहुंची है, उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया है। इंदौर जिले के गौतमपुरा थाना क्षेत्र में पिछले